अस्पृश्यों का विद्रोह, गांधी और उनका अनशन, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। इनसे भी निम्न स्तर की एक और जाति है जिसे लोग कुले कहते हैं। वे मूर्ति पूजक होते हैं। वे औरों की भांति ही अंत्यज और बहिष्कृत समझे जाते हैं। वे खेतों में या खो खंदकों में रहते हैं, जहाँ सभ्य जाति के लोग कभी भूले भटके ही जाते हैं। वे बड़ी ही छोटी मोटी झोपड़ियों में रहते हैं। वे भैंसों तथा बैलों की मदद से धान के खेत जोतते हैं। वे नायरों से दूर रहकर ही बात करते हैं और इतनी जोर से चिल्लाते हैं ताकि उन्हें सुना जा सके। जब वे सड़कों पर चलते हैं तो वे जोर जोर से चिल्लाते हैं ताकि उनके लिए रास्ता छोड़ दिया जाए और जो भी उनकी आवाज सुन ले वो सड़क से हट जाए और उनके वहां से गुजरने तक वृक्षों की ओट में खड़ा हो जाए। यदि कोई स्त्री पुरुष उन्हें छू लेता है तो जिसको स्पर्श किया जाए उस व्यक्ति को कत्ल कर देता है। अतः प्रतिशोध में वे पुलयन को कत्ल कर देते हैं और उन्हें कोई दंड नहीं भोगना पड़ता। इनसे भी दीनहीन एक और जाति होती है। इस जाति के लोगों को परियन कहते हैं। वे अन्य सभी जातियों से दूर अलग थलग अति निर्जन स्थानों में रहते हैं। न वे किसी अन्य व्यक्ति से और न ही कोई अन्य व्यक्ति उनसे संबंध रखता है। उन्हें शैतान से भी बदतर और प्रताड़नीय समझा जाता है। उन्हें देखने मात्र से ही आदमी अपवित्र और जाति बहिष्कृत हो जाता है। वे रतालू और अन्य जंगली कंद मूल खाते हैं। वे अपने तन के मध्य भाग को पत्तियों से ढांपते हैं। वे जंगली पशुओं का मांस भी खाते हैं। मूर्ति पूजकों के बीच जाति भेद की इतनी ही कथा है। कुल मिलाकर ये 18 जातियां हैं। वे सब अलग अलग हैं। न वे आपस में एक दूसरे को छू सकती है और न ही शादी विवाह कर सकती है। मलाबार की जिन 18 मूर्ति पूजक जातियों का मैंने अभी वर्णन किया है, इनके अलावा मूल निवासी के रूप में कुछ अन्य लोग भी हैं जो बाहर से आए हैं। ये व्यापारी और साहूकार लोग हैं। उनके अपने अपने मकान और अपनी जाहिरें हैं। वे मूल निवासियों की भांति रहते हैं पर उनके रीति रिवाज अलग होते हैं। इन विदेशियों ने जाति की पूरी और ब्यौरेवार कोई तस्वीर पेश नहीं की है। वे इसमें असमर्थ रहे हैं। इसका कारण ये है कि हर विदेशी के लिए हिंदू का निजी जीवन प्रच्छन्न रहता है और उनके लिए उसके भीतर झांकना संभव ही नहीं है। इसके अलावा भारत का सामाजिक ताना बाना, उसकी गतिविधि सदा से रीति रिवाजों पर आधारित रही है। ये स्थान भेद के अनुसार भी बदलती रहती है। उसकी जटिलता देखकर माथा चकराने लगता है। उसके पीछे कोई कानूनी सूत्र नहीं होता जिसे किसी कानूनी पाठ्य पुस्तक में से खोजकर निकाला जा सके। लेकिन निसंदेह ही विदेशियों को ऐसा लगा कि जाति भारतीय समाज का एक सर्वाधिक अनोखा और इसलिए एक विशिष्ट एक गुण है। अन्यथा वे जब भारत आए और उन्होंने जो देखा अपने विवरणों में, उन्होंने जाति के अस्तित्व को नोट न किया होता। अतः हिंदू समाज संगठन में जाति की एक विशिष्टता है जो हिंदुओं को अन्यों से अलग करती है। जाति एक वर्धमान संस्थान रही है, वह सदा सर्वदा जो कि त्यों नहीं रही। मेगस्थनीज ने जब अपना विवरण लिखा उस समय जाति का जो स्वरूप था वो अलबरूनी के आगमन काल से बहुत भिन्न था। पुर्तगालियों को जाति का जो स्वरूप दिख पड़ा वो अलबरूनी के काल से भिन्न था। लेकिन जाति को समझने के लिए हमें उसकी प्रकृति के विषय में और अधिक सटीक जानकारी प्राप्त करनी होगी, जितनी कि हमें इन विदेशियों के वर्णन से मिलती है। जाति विषयक चर्चा को समझने के लिए पाठकों को उन कुछ बुनियादी संकल्पनाओं से परिचित कराना आवश्यक है जो हिंदू समाज संगठन में निहित है। हिंदुओं में प्रचलित समाज संगठन की मूल संकल्पना उस वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति से प्रारंभ होती है जिसके बारे में विश्वास किया जाता है कि उससे हिंदू समाज का विभाजन हुआ। ये चार वर्ण है, ब्राह्मण, पुजारी और शिक्षित वर्ग, क्षत्रिय। पहला ब्राह्मण, पुजारी और शिक्षित वर्ग, दूसरा क्षत्रिय क्षत्रिय सैनिक वर्ग, तीसरा वैश्य व्यापारी वर्ग और चौथा शूद्र दास वर्ग। कुछ काल तक वे केवल वर्ग थे। कुछ काल बाद जो केवल वर्ग वर्ण थे जातियां बन गई। चार जातियां 4000 जातियां बन गई। इस प्रकार आधुनिक जाति व्यवस्था प्राचीन वर्ण व्यवस्था का ही विकसित रूप है। निसंदेह जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था का ही विकसित रूप है, लेकिन वर्ण व्यवस्था के अध्ययन से हम जाति व्यवस्था की कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। जाति का अध्ययन वर्ण को अलग रखकर करना होगा।
कहा जाता है कि किसी प्राचीन नास्तिक ने अपने दर्शन की व्याख्या करने के बाद अंत में कहा था, मैं केवल ये जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता, और मैं पूरे विश्वास से ये भी नहीं कह सकता कि मैं ये जानता भी हूँ। सर डेंजिल इब्सन ने पंजाब की जाति व्यवस्था के बारे में लिखते हुए कहा कि इस नास्तिक ने अपने बारे में ऊपर जो कुछ कहा है, यदि यही शब्द जाति के बारे में मेरी अपनी धारण को भी व्यक्त करता है। सच तो यह है कि स्थानीय परिस्थितियों के कारण जाति की अवधारणा में अत्यधिक अंतर मिलता है। किसी एक स्थान पर उपलब्ध किसी जाति के बारे में पूर्ण दृढ़ता से कोई बात कहना अति कठिन है, क्योंकि किसी अन्य स्थान पर उपलब्ध उसी जाति के बारे में उक्त तथ्य का उतनी ही दृढ़ता से खंडन किया जा सकता है। भले ही ये बात सच हो, फिर भी जाति के आवश्यक और मूल लक्षणों को और उसके अनावश्यक और सतही लक्षणों को अलग अलग करना कठिन नहीं है। किसी व्यक्ति का किन कारणों से बहिष्कार किया जा सकता है, इसे निश्चित करने का आसान तरीका श्री भट्टाचार्य ने इस प्रकार बताया है। उन्होंने जाति से बहिष्कार के निम्न कारण गिनाए है। पहला, ईसाई या इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेना। दूसरा, यूरोप अथवा अमेरिका की यात्रा करना। तीसरा, विधवा से विवाह करना। चौथा, यज्ञोपवीत को खुल्लम खुल्ला उतार फेंक देना। पांचवा, खुल्लम खुल्ला गोमांस या सुअर का मांस खाना। छठवा, खुल्लम खुल्ला मुसलमान ईसाई और छोटी जाति के हिंदू के हाथ का बना कच्चा भोजन करना। सातवा, अति निम्न जाति के शूद्र के घर पर काम करना। आठवा, अनैतिक प्रयोजन से किसी महिला का घर से बाहर जाना। और नौवा, विधवा का गर्भवती हो जाना। ये सूची पूर्ण नहीं है और उसमें जाति के बहिष्कार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण छोड़ दिए गए हैं। वे है, दसवा अंतरजातीय विवाह करना, ग्यारहवा दूसरी जाति के व्यक्ति के साथ खान पान करना, और बारहवा व्यवसाय बदलना। श्री भट्टाचार्य के कथन का दूसरा दोष ये है कि उसमें आवश्यक और अनावश्यक कारणों में कोई भेद नहीं किया गया है। इसमें शक नहीं है कि जब किसी व्यक्ति का जाति से बहिष्कार किया जाता है तो दंड एक समान होता है। उसके दोस्त, रिश्तेदार और जाति भाई उसका आतिथ्य ग्रहण नहीं करते, उसे उनके घरों में उत्सवों में नहीं बुलाया जाता, वो अपने बच्चों की विवाह नहीं कर सकता, उसकी विवाहित पुत्रियां भी जाति से बहिष्कृत होने के भय से उससे मिलने नहीं आ सकती, पुरोहित नाई और धोबी उसके घर नहीं आते। उसके जाति भाई उससे इस हद तक संबंध तोड़ लेते हैं कि उसके घर में किसी की मृत्यु हो जाने पर वे अंत्येष्टि में नहीं जाते। कभी कभी तो जाति से बहिष्कृत व्यक्ति को सार्वजनिक मंदिरों और स्मशान में भी प्रवेश नहीं करने दिया जाता। जाति से बहिष्कार के ये कारण जाति के नियमों को परोक्ष रूप से दर्शाते हैं, लेकिन सभी विनिमय बुनियादी नहीं होते। अनेक विनिमय अनावश्यक होते हैं। आवश्यक और अनावश्यक में भेद एक अन्य प्रश्न द्वारा किया जा सकता है। वो है कि जाति से बहिष्कृत हिंदू पुनः जाति में कब शामिल हो सकता है। हिंदुओं में प्रायश्चित करने की पद्धति है। जाति से बहिष्कृत व्यक्ति को पहले प्रायश्चित करना होगा, उसके बाद ही वह पुनः जाति बिरादरी में शामिल हो सकता है। इस प्रायश्चितों के बारे में कुछ बातें याद रखनी होगी। सर्वप्रथम ये कि जाति संबंधी कुछ अपराध ऐसे हैं जिनके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। दूसरी ये कि अपराध के अनुसार प्रायश्चित बदल जाते हैं। कुछ अपराधों में तो प्रायश्चित के रूप में कुछ हल्का सा जुर्माना होता है, अन्य अपराधों में जुर्माना अधिक कठोर हो सकता है।